हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है बेसनी, जिसको हम मिस्सी रोटी भी कहते हैं। इन टुडेज वीडियो हम प्लेन एंड स्टफ मिस्सी रोटी दोनों बनाना सीखेंगे। मिस्सी रोटी में कच्ची प्याज पड़ती है, जिसकी वजह से कई बार हमारी रोटी फट जाती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू अ ट्रिक, जिससे आपकी मिस्सी रोटी कभी नहीं टूटेगी। इफ़ यू वॉन्ट मी टू कीप शेयरिंग सच नाइस आइडियाज विद यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Make it for your family sometime and then share your experience with me by commenting in the comment section below. अब एक बड़े बर्तन में 2 कप बेसन लो, उसमें 3/4 कप गेहूं का आटा, नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। अब मैंने यहाँ अनियन को 15 मिनट पहले चॉप किया था एंड उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगा लिया था, उसकी वजह से अनियन ने सारा अपना वाटर रिलीज कर दिया है। अब इस तरीके से प्याज को अच्छे से निचोड़ लो एंड देन फिर आटे में डालो। दिस इज द रीजन आपकी रोटी बेलते हुए नहीं फटेगी। एड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, ऐड घी। यहाँ मैंने टोटल 3 टीस्पून घी यूज़ किया है, लेकिन अभी मैं 1 टीस्पून डालूंगी एंड थोड़ी देर बाद वापस से 1 टीस्पून एंड एंड में 1 टीस्पून। डो बहुत स्टिकी होता है तो घी को स्टेजेस में ऐड करने से बेटर रहता है एंड इट इज़ ईजी टू मेक अ डो। जस्ट 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, मीन्स खाने का सोडा या मीठा सोडा। बेसन जो होता है वो बहुत भारी आटा होता है, तो उसकी रोटी को अंदर से लाइट एंड सॉफ्ट बनाने के लिए एंड बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा सोडा ऐड करते हैं। नाउ नीड द डो विद वाटर। इट टुक मी जस्ट 1/4 कप ऑफ वाटर टू नीड द डो, बट प्लीज़ ऐड वाटर लिटिल एट अ टाइम। Adding ghee in stages helps in smoothening of the dough. Dough does not need to be very hard or very soft, just a medium consistency. Now let it rest for about 20 minutes. Meanwhile, let's make our stuffing. Stuffing के लिए 50 ग्राम grated paneer, 1 medium size boiled potato, थोड़ा सा chopped हरा धनिया, आप green chilies भी डाल सकते हो। Add black pepper powder, salt, roasted cumin seeds powder and sukha pudine ka powder. This adds freshness to the stuffing. Mix everything and keep aside. Now after 20 to 25 minutes, grease your palms with little oil and make nice dough balls. Put in the stuffing carefully, making sure कि उसको अच्छे से चारों तरफ से सील कर दें। Now in the total dough, I made around 7 missi rotis of full size, from which 5 were stuffed and 2 are plain. So you can adjust the dough and stuffing quantity accordingly. While rolling, see it is just effortless to roll. Even though we had chopped onions in it, chopped coriander leaves and chopped green chilies. Roll it in the usual way, the way we roll roti, but make sure not to roll it too thin. अब इस पे थोड़ा सा कटा धनिया लगाओ and उसको press कर दो. Then prick this with a fork or a knife. And जब आप स्टफ्ड मिस्सी रोटी बनाते हैं, तब पहले थोड़ा सा डो को प्रेस कर लो, जिससे स्टफिंग इज स्प्रेडेड ऑल ओवर। नाउ कीप इक्वल प्रेशर ऑन ऑल साइड्स व्हाइल रोलिंग, जिससे स्टफिंग सब जगह बराबर से स्प्रेड हो जाए। टू कुक देम, एक तरफ थोड़ा सा पानी लगाओ एंड देन पुट इट ऑन द हॉट तवा फ्रॉम द सेम साइड। Now here leave it on hot tawa for 30 to 45 seconds and then जब ये छोटे छोटे bubbles आने लगेंगे, then turn it upside down and then on medium low flame धीरे धीरे घुमा घुमा के चारों तरफ से सेक लो। Patience is the key here, do not cook it on high flame,
See the nice bubbles, nice charred color all over the roti. This is what we want. स्क्रेप इट विद अ टोंग और किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको आप निकाल लो. नाउ वील चेक द ऑपोजिट साइड. सी दूसरी साइड भी कितने अच्छे से कुक हुआ है. मोर ओवर दे आर सॉफ्ट इन साइड एंड क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड. सिमिलरली कुक द स्टफ्ड वंस. द ओनली डिफरेंस इज दे आर गोइंग टू बी पफ्ड अप एज दे आर नॉट ब्रेड. वंस डन अप्लाई सम घी and then serve with any curry or dal of your choice.